Hey everyone, very good evening. Welcome to Wi-Fi Study, India's number one study channel. Or kya bas, main hazir hoon. Very good evening, good night, good morning, good afternoon. Jo acha lage wo apne paas rakho, sab free ka hai, koi dikkat nahi hai. Okay, so finally last week Sunday ko hum log current affairs kar rahe the. Wahan pe hum keval September tak finish kar paaye the, lekin wo week hamara 4 October tak tha. And थोड़ा टायर्ड था, मैंने बताया भी था उसे, थोड़ा फिट नहीं था इसलिए रह गए थे. तो आज खत्म करते हैं और कल के लिए ऑलरेडी एक सरप्राइज वीडियो तैयार हो चुकी है हिंदू के अलावा, वो मैं कल ही बताऊंगा. मैं पहले बोल देता हूँ, वो हो नहीं पाती है. मैं ले नहीं पाता, तो मैं कल आपको मतलब लेने से 4-5 घंटे पहले ही इन्फॉर्म करूंगा. यस, वी आर रेडी विद इट. ओके, कौन कौन आ गया? पांडे साहब, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग अमनदीप, मुस्कान, मोनिका, कशिश, राज, मनीषा, गुड इवनिंग एवरीवन. ओके गाइस, एन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर प्लान कर रहे हो तो जी खोल के करो, फायदा है. अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 39,000 में दिल्ली से बेहतर फैसिलिटीज को जीने का. ओके, ठीक है ना. मैं हमेशा उन बच्चों को कहता हूँ कि जो नहीं ले सकते हैं, अपने आप का दिल छोटा नहीं करने की जरूरत है. बॉस मैं बैठा हूँ अभी, लेकिन जो ले सकते हैं लीजिए, बहुत बेनिफिट्स हैं. बुक्स खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी थोड़ा बहुत तो यार रहता ही है सीन, ठीक है ना. चलो, एंड दिस इज द कोड साहिल 1, इसे आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो इस कोड को यूज करके. दिस इज माय नेम एंड साहिल अरोड़ा पे जाकर, जो कि अन अकेडमी पे आपको मिल जाएगा. प्लस एडुकेटर हूं मैं वहां पे और रैंक काफी स्पीडली इंप्रूव हो रही है, तो जल्दी दिख जाएगा ये नाम. एंड यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर काफी सारे सब्जेक्ट फ्री में चल रहे हैं, तो लुफ्त उठाइए, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, स्टार्ट करने से पहले भी बच्चे कम है, पता नहीं क्यों, मन नहीं था शायद करंट्स पढ़ने का. ओके, पहली चीज मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग के रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूँ. मेरे को आंसर जो मैं देख रहा हूँ, आप लोगों के चेक कर रहा हूँ अकेडमी पे, उस पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ. सबसे पहला पॉइंट, एक ही दिन में या एक ही रात में चैंपियन बनने की कोशिश मत करो. ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो. अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि मैं एक ही बार में बेस्ट कर दूं और फिर उसके बाद आप निराश हो रहे हो, तो एक बेवकूफी कर रहे हो. ये मैं अभी कुछ रीसेंट कुछ मिनट्स के एक्सपीरियंस पे ही बोल रहा हूं. सेकंड जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दूसरा, कि जरूरी नहीं है हर जगह डायग्राम डाला जाए. डायग्राम को हर जगह डालना जरूरी नहीं है, इस पॉइंट को समझना. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होता है, जिनका लिखने का जिनके अंदर लिखने की कला ही इतनी बेहतरीन है कि उन्हें डायग्राम्स की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है. ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिनके मैं आंसर्स पढ़ रहा हूं. सो डायग्राम्स वाला जो एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट है कि डायग्राम्स डालने हैं या कुछ भी है, नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना. पहले आप लिखने की प्रैक्टिस करें कि आपका माइंड और आपका हाथ कोऑर्डिनेट करना जानता हो, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे. थर्ड स्टेप होगा टू बीइंग अ चैंपियन. चैंपियन कोई नहीं बन सकता यूपीएससी के आंसर राइटिंग में, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको एक चीज समझनी होगी, इट टेक्स टाइम. एटलीस्ट अपने आप को एक टारगेट देखो कि अगर मैं आज से आंसर लिख रहा हूं या लिख रही हूं, तो मैं अपने आंसर फैब के लास्ट में एक बार और रिव्यू करूंगी. यानी कि मैं अपने आंसर जो मैंने आज लिखे हैं और जो मैंने फैब में लिखे हैं उससे मैं कंपेयर करूंगी, ठीक है. ये चीज पे चलो, थोड़ा सा माइंड को इजी रखो, डोंट गो विद द फ्लो. ये सबके लिए मैसेज है, सब समझ भी गए होंगे, ठीक है ना, कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि मैं बता नहीं पाता इतनी इजीली. ओके, पहले भगत सिंह जी का नाम आया, आज की शुरुआत है आजादी के साथ. इनका नाम आता है तो आजादी आती है दिमाग में. भगत सिंह, 28 सितंबर को इनका बर्थडे था और ये अक्टूबर की न्यूज में कवर हो रहे हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपसे कह रखा है कोई बंदा छूटेगा नहीं. तो वही चीज है, अगर कोई छूटा है तो यहां आ गया. ओके, चलो इनकी लाइफ के बारे में देखते हैं, क्योंकि भगत सिंह का बर्थडे किस डेट को आता है यूपीएससी बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन इनकी हिस्ट्री में जो इनका इन्फ्लुएंस है वो मैं देखता हूं. मेरी फोटो के ऊपर आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे. चलो, ही सपोर्टेड महात्मा गांधी. बहुत से लोग कहते थे कि भगत सिंह और महात्मा गांधी जी की आपस में बनती नहीं है, ठीक है ना. ठीक है, भगत सिंह जी के लिए लोग कहते हैं कि भगत सिंह और महात्मा गांधी कोई बनती नहीं थी. तो एक स्टोरी थी, जब भगत सिंह जब महात्मा गांधी ने 1920 में अपना असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं,
उस मूवमेंट में भगत सिंह एक बच्चे की तरह उस मूवमेंट में भाग रहे थे कि प्रचार कर रहे थे गांधी जी का। लेकिन भगत सिंह का दिल टूटा जब गांधी जी ने उस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। ये स्टोरी आपने पूरी सुनी होगी, 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके तहत गांधी जी ने कहा कि मेरे को ये मूवमेंट नहीं चलाना है। तो भगत सिंह का वहां पे दिल टूटा और वहां से भगत सिंह बने एक रिवोल्यूशनरी। नेशनलिज्म, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो इस पॉइंट में हमें मिलती है, ये शब्द रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। बहुत से लोग अपने मेंस की आंसर राइटिंग में भगत सिंह के लिए एक्सट्रीमिस्ट वर्ड यूज करके आते हैं, क्योंकि बहुत सी एनसीईआरटी बुक्स और काफी बड़े जो हिस्टोरियंस है, इवन विपिन चंद्रा भी, वो इनके लिए एक्सट्रीमिस्ट वर्ड यूज करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब हो गया कोई बंदा एक्सट्रीम अपार चला जा रहा है। तो एक्सट्रीमिस्ट आज के टाइम पे हम, याद करो हमने जब अभी तालिबान के लिए भी यूज किया था ये वर्ड, ठीक है ना। तो भगत सिंह और तालिबान का कंपेयर करके तो इनकी इंसल्ट है। भगत सिंह हमारे देश के शहीद हैं, हमारे देश के लिए कार्य किया है इतना, ठीक है ना। तो इन्हें हम रिवोल्यूशनरी कहेंगे जो एक बदलाव लाते हैं, ठीक है ना, जो एक बदलाव लाते हैं। तो भगत सिंह के लिए ये वर्ड यूज करना है अपने आंसर में, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने क्या क्या किया जरा देख लेते हैं। 1924 में, यानी कि 1922 में मूवमेंट खत्म हुआ नॉन कॉपरेशन, 1924 में ये खुद आगे आए और ये मेंबर बनते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये यूपीएससी को छोड़ के दुनिया के सारे एग्जाम पूछ चुके हैं, यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को किसने बनाया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने, ठीक है। 1925 में भगत सिंह जाते हैं लाहौर और वहां पे वो एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, नौजवान भारत सभा। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सीधा सीधा एक छोटा सा टॉपिक कवर हो रहा है हमारा, ठीक है। नौजवान भारत सभा, ये भी भगत सिंह जी की थी। देन 1928 में, 1928 में ये जुड़ते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो ऊपर वाली क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्रनाथ सन्याल, देन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और यहां पे किन किन का नाम आ रहा है, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इवन भगत सिंह खुद, और भी बहुत से लोग थे, अशफाकुल्ला खान जैसे लोग इसमें शामिल थे। देन भगत सिंह और सुखदेव ने मिलकर लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन भी बनाया था। जो मेरे पीछे छुप रहा है वो है लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन, लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन। तो ये जो चीज है ये भी इन्होंने बनाई थी ताकि स्टूडेंट्स सीख सकें कि लीगली किस तरीके से काम किया जाता है ये सारी चीजों के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है ये भी भगत सिंह के नाम से जुड़ा हुआ है। 1929 का असेंबली में बॉम्ब फेंकने का केस, बॉम्ब इन्होंने फेंका था ताकि कहा जाता है कि सोए हुए नेताओं को जगाया जाए। इनका कहने का मतलब था कि हमारे नेता जो असेंबली में बैठे हैं वो सो रहे हैं, जरा इन्हें नींद से जगाया जाए, और इनके साथ साथ पूरे देश को भी। मेरे को आज जैसा कुछ लग रहा है, ओके, लेकिन ऐसी हरकत नहीं करनी है। मैं तो गांधी जी के रास्ते वाला बंदा हूं कि हमेशा अपनी बात को रखा जाए, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग मनीषा, ये जो बुक्स में लिखा आता है ना, ये बुक्स में लिखा आता है HSRA बाय राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना, ये चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग कहते हैं HSRA के बारे में। दैट्स द ओनली रीजन कि मैंने यहाँ फाउंडर का नाम नहीं लिखा है, ठीक है ना। कोई चंद्रशेखर आजाद भी कहता है, आप गूगल वगैरह पे ढूंढोगे आपको एक जगह चंद्रशेखर आजाद भी मिल जाएगा। इसका कोई भी ओनर का श्योरिटी नहीं है, ये कहा जाता है ये सारे मेंबर्स इसके भाग थे। ओके, भगत सिंह को अरेस्ट किया गया और इन्हें चार्ज किया गया सॉन्डर्स के मर्डर, सॉन्डर्स को मारा था, गोली मार दी थी। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को पकड़ा गया था और इन तीनों को सेंटेंस, ये देश के लिए शहीद हुए थे, इन तीनों को हो गई थी सजा 24 मार्च 1931 को। और इस दिन बनाया जाता है हमारे यहाँ शहीद दिवस, मार्टिस डे, या फिर सर्वोदय डे, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, लेकिन इन पर सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया। हाँ, ये तो सच है कि सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया था, ये तो सच है, ठीक है ना। बट सर हम लोग सुभाष चंद्र बोस वाले बंदे नहीं राज, मेरे को सबकी आइडियोलॉजी अलग होती है, आई एम कंप्लीटली गांधी, कंप्लीटली। मेरा यही मानना है कि दुनिया में कभी भी गुस्से से या वॉयलेंस से कुछ नहीं जीता जा सकता, वॉयलेंस कमजोरों का हथियार होता है,
ठीक है ना, इंसान गुस्सा करता है जब थप्पड़ मारता है। सपोज आपने किसी को थप्पड़ मारा तो आपने अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया, यानी कि आप इतने कमजोर हैं कि आप अपना गुस्सा तक नहीं सह पाए, सोच के देखो। ठीक है ना, खैर ये एक आइडियोलॉजी की बात है, आई एम वेरी पीसफुल पर्सन। ओके, इनकी आजादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनके बारे में कभी लिखने का मौका मिलता है, इनके लिए आजादी का मतलब क्या था? क्या देश की आजादी? नहीं, देखो गांधी जी जैसी ही आजादी इनकी भी है। इनकी आजादी भी गरीबी से आजादी थी, अनटचेबिलिटी से यानी कि छुआछूत से आजादी थी, कॉमनवेल्थ स्ट्राइफ हिंदू मुसलमान की लड़ाई से आजादी थी, डिस्क्रिमिनेशन किसी गरीब किसी अमीर के साथ कोई एक्सप्लोटेशन ना हो ये आजादी थी, यानी कि इनके लिए भी आजादी का मतलब बहुत बड़ा था। इनके लिए भी आजादी का मतलब बहुत बड़ा था, यानी कि हमारे यहाँ जितने भी लोग रहे हैं जितने भी महान व्यक्ति रहे हैं उनकी आजादी का मतलब केवल देश की आजादी नहीं है, उनकी आजादी का मतलब एक बहुत ही बेहतरीन एक खूबसूरत देश देखने की है। यानी कि अगर मैं कहूं कि भगत सिंह का जो सपना है वो आज तक पूरा हुआ है, आंसर इज नो। गांधी जी का सपना आजादी का आज तक पूरा हुआ है? नहीं, इन लोगों का सपना पूरा हुआ ही नहीं, सपना सिर्फ उन लोगों का पूरा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना, सपना केवल उन लोगों का पूरा हुआ है जो उस असेंबली में बैठ के अपने सपने देख रहे थे, अपना भविष्य बनाना चाह रहे थे। कायदे में इन लोगों का सपना तो कभी पूरा हुआ ही नहीं, ना भगत सिंह का, ना गांधी का, ना किसी लोगों का, यानी कि ये है असली आजादी। चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल सही है, हम अब तक आजाद नहीं हुए हैं। हाँ अनुराग, बिल्कुल सही, भगत सिंह की किताब है। ओके, ये देखो ये एक बड़ी अच्छी चीज आई है, भारतीय स्क्रिप्ट। आप कहोगे कौन सी स्क्रिप्ट है ये, हड़प्पा हड़प्पा में मिल गई? आंसर इज नो, ये कहीं मिली नहीं है, ये बनाई है, ये बनाई है। सीरियसली, डेवलप बाय श्रीनिवास चक्रवर्ती, ये एक व्यक्ति ने बनाई है जो कि टीम आईआईटी मद्रास के हेड थे। सीरियसली, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये है क्या। ये एक सिंपल और यूनिफाइड स्क्रिप्ट है, एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें हर हिंदी इंग्लिश सबसे कुछ ना कुछ अक्षर लेके बनाए गए हैं। यूनिफाइड स्क्रिप्ट है विच कैन बी यूज्ड टू राइट मोस्ट मेजर इंडियन लैंग्वेज, यानी कि इस स्क्रिप्ट का मदद से, जो इस स्क्रिप्ट में शब्द हैं उसकी मदद से हम बहुत सारी भाषा जो हमारे इंडिया में बोली जाती हैं उन्हें लिख सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें लिख सकते हैं। बाय इट डिजाइन बाय द सिंपलेस्ट शेप, और इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का भी यूज इसमें किया गया है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट किन किन भाषाओं को लिखने में मदद करेगी? हिंदी, मराठी, देवनागरी लिपि जो हमारी है, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी जिसे गुरमुखी कहा जाता है, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम। और ये हमारे मोदी जी के सपने की तरफ एक कदम है, वो कहते हैं वन नेशन वन स्क्रिप्ट, देश एक स्क्रिप्ट भी एक। हे भगवान, वन नेशन वन बैंक, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन ट्रेन, वन नेशन दैट्स इट। द थिंग इज दैट ये वन नेशन वाला कॉन्सेप्ट ये कितना नेशनलिस्ट है या कितना डेवलपमेंटल है, इस पे मेरे को लगता है कि हमें सही में आंसर लिखने की जरूरत है, यानी कि आई थिंक वी हैव टू राइट द आंसर ऑन दिस। कि ओके, चलो जस्ट राइट 150 वर्ड्स ऑन वन नेशन फॉर्मूला, वन नेशन फॉर्मूला पे, वन नेशन वन जो भी चलाया जा रहा है, लाइक वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन आधार कार्ड, वन नेशन वन बहुत सारी चीजें, बैंक, ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें चलाई गई हैं, तो इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप लोग 150 वर्ड्स लिखे, नॉट एज अ आंसर, जस्ट एज योर थॉट्स। आप बिल्कुल फ्री हैं कुछ भी लिखने के लिए, बिल्कुल फ्री हो कुछ भी लिखने के लिए, चलो ठीक है ना। वेरी गुड अनुराग, एंग्रीनेस कॉजेस डिस्ट्रक्शन नॉट कंस्ट्रक्शन। हाँ, आईआईटी मद्रास इससे बहुत न्यूज में रहता है, ठीक है। तो 150 वर्ड्स पे वन नेशन वन, जो भी ऐसा में न्यूज में आपको देखने को मिलता है, कहीं वन नेशन वन डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, वन नेशन वन एजेंसी देखने को मिलती है, ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। सो इस पे आप 150 वर्ड्स लिखे, यू आर फ्री टू राइट एनी डायरेक्शन, यहां डिस्कस कमेंट एग्जामिन कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट राइट राइट योर थॉट्स। मैं देखना चाहता हूं कि दिमाग कहां तक जा सकता है। नाउ कम टू द GS2, लास्ट वीक भी GS1 की ज्यादा न्यूज नहीं थी, इस बार भी नहीं है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट,
इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल जस्टिस की न्यूज है ये, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। ये क्या है? अंबेडकर जी का जब भी नाम आता है तो बात आती है एससी एसटी की, और यहां भी बात आ रही है, ठीक है ना, यहां पर बात आ रही है एससी एसटी की, अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन। अभी अभी ये इसे लॉन्च किया गया हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर के द्वारा। तो ये है क्या? प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके अंदर एक बिजनेस, एक स्टार्टअप की क्वालिटी को इंप्रूव करना, प्रमोट करना इसका काम है। लेकिन 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 केवल एससीज, केवल एससीज, और उसमें भी एक प्रेफरेंस और है दिव्यांग, ठीक है ना, दिव्यांग, किसी भी डिसेबल, किसी भी तरीके की बीमारी या किसी भी तरीके की चोट से जूझ रहे हो ऐसे लोगों के लिए। वन एग्जाम इन लाइफ ओनली यूपीएससी, ठीक है। चलो, तो ये इनका है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी यूथ, जो हमारे यहाँ के शेड्यूल कास्ट लड़के हैं उनके अंदर एक प्रमोशन किया जाए, यानी कि उनके अंदर एक अवेयरनेस लाई जाए कि आप अपना स्टार्टअप शुरू करें, अपना बिजनेस करें। इसके अंदर हमारा क्या है, सपोर्ट करेंगे 1000 इनोवेटिव आइडियाज को, यानी कि कोई भी अगर लड़का इनोवेटिव आइडिया लेके जाता है, अगर वो एससी है तो ये प्रोग्राम उसे सपोर्ट करेगा आगे स्टार्टअप बनाने में। कब तक? 2024 तक ये चलेगा, शुरुआत अब हो रही है इसकी 2020 में, ठीक है। इसका काम क्या है, इसमें कौन कौन इनके साथ आ रहा है? टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ये ग्रुप है जो इनके साथ आ रहा है, और बाकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये डीआरडीओ के, नहीं डीआरडीओ कह रहा हूँ सॉरी, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये एक बॉडी है जो कि इन्हें हेल्प कर रही है। 1000 शेड्यूल कास्ट यंगस्टर्स वुड बी आइडेंटिफाई इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स, यानी कि आने वाले 4 सालों में 1000 ऐसे लड़के ढूंढ के लाए जाएंगे जो कुछ नया बताएंगे। सी से हटेगा क्या हमारे यूपी में? पता नहीं, पूछ रहा था, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि सी से हटना नहीं, हटा भी नहीं चाहिए। कशिश सॉरी, हाँ कशिश ने पूछा ये, नहीं मनीषा, नहीं मनीषा, सी से हटना भी नहीं चाहिए। सी से हमारे एक माइंड की क्वालिटी चेक करता है, कुछ गलत नहीं है उसमें। जो एग्जाम लेवल पे चेंजेस होते हैं, जैसे कल भी मैं देख रहा था एक केस हो गया, कोई बच्चों ने आवाज उठाई कि एक क्वेश्चन था वो गलत हिंदी में प्रोनाउंस था, ये यूपीएससी की टीम को खुद पे वर्क करने की जरूरत है। यहाँ बच्चों के ऊपर कोई भी चेंजेस डालने की जरूरत नहीं है, दे नीड टू, ठीक है ना। चलो, अंबेडकर सोशल इनोवेशन के बारे में एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? कोई भी यूथ, कोई भी यूथ अगर वो एससी है, ठीक है, और उसे आइडेंटिफाई करता है टीबीआई, यानी कि इनक्यूबेशन वाले अगर उसे जाके ढूंढ लेते हैं तो। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, स्टूडेंट्स हु हैव बीन अवार्डेड अंडर द स्मार्ट इंडिया हैकेथन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखा है। स्मार्ट इंडिया हार्डवेयर हैकेथन, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर चल रहा है, यानी कि इसके अंदर से भी लड़कों को यहाँ पे लाया जा सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, समाज और अर्थव्यवस्था दोनों का विकास एक साथ कर सकते हैं, ऐसे लोग। स्टार्टअप नॉमिनेटेड एंड सपोर्टेड बाय कॉर्पोरेट्स, अगर कोई कॉर्पोरेट किसी स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहता है सीएसआर की मदद से, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मदद से, तो ऐसे लोग भी आगे आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल, इस मिसाइल को सालों से पढ़ते आ रहे हैं, अभी इसका एक और मिसाइल का परीक्षण हुआ, तो ऐसे देख लेते हैं हम क्या है, ठीक है। मुझे लगता है गुस्सा आए तो अकेले रो लेना चाहिए, हाय हाय कैसी सेंटी सेंटी बातें हो रही है। हाँ जी मनीषा, जो अंबेडकर ये सोशल इनोवेशन है सिर्फ एससी बॉयज के लिए, ठीक है ना, एससी बॉयज नहीं, बेसिकली एससी यूथ, यहाँ पे यूथ वर्ड यूज हुआ है, बॉयज नहीं, ठीक है ना। ओके, नाउ कम टू द, बड़े सेंटी सेंटी बातें करो तुम लोग कमेंट्स में। बहुत सही रहा, जितने में तो पार हो गया। चलो आ गया ब्रह्मोस, ये है क्या, इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन डीआरडीओ, इंडिया का डीआरडीओ, रशिया का एनपीओएम, ठीक है, इन दोनों के बीच में। ब्रह्मोस जो नाम पड़ा है, ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कवा, जो कि मोस्वा नाम है वैसे रशिया का, इन दो नदियों के नाम को मिलाकर बना है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड इतनी है कि 2.8 मैक, यानी कि 3 to 4 टाइम ज्यादा हो गई आवाज की, साउंड की भी, ट्रेवलिंग स्पीड से ज्यादा। ओके, ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। यूपीएससी एक टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस पूछता था, लास्ट 3 साल से नहीं पूछे, पहले यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता था मिसाइलों के बारे में, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है इसे डीप में।
ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। ये मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब इसे लैंड से भी छोड़ सकते हैं, एयर से भी छोड़ सकते हैं, सी से भी छोड़ सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी कैसी है? पिन पॉइंट, यानी कि अगर मैंने एक सुई भी इसे दिखा दी कि इस पे मारना है, कंप्यूटर से सेट कर दिया, तो ये मारकर ही छोड़ेगा उसे। इसे दिन में भी यूज कर सकते हैं, रात में भी यूज कर सकते हैं, हर वेदर कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, बारिश हो, कुछ भी हो, तो कहीं भी यूज कर सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जब हमने देखा लैंड, एयर और वाटर हर जगह से यूज हो रही है, तो डेफिनेटली हमारी सारी बॉडीज इसमें होंगी, यानी कि आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है। इस मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट भी कहा जाता है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या है? बटन दबाओ और भूल जाओ, बाकी काम वो खुद कर देगी, आपको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। इसकी रेंज पहले 300 थी, लेकिन अब बढ़ाते बढ़ाते 450 से 600 तक आ गई है, यानी कि इसकी रेंजेस 300 से 600 के पास हमारे पास है। इस समय कहां पे यूज हो रही है? ये डिप्लॉय है इस समय लद्दाख में, चाइना के लिए रेडी है। ये चाइना के लिए रेडी कर रखा है, ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में रेडी कर रखा है। जो भी चाइना के साथ इशू चल रहा है उसमें ब्रह्मोस इस समय रेडी है हमारे, ठीक है ना। सो ब्रह्मोस मिसाइल इस समय है। ठीक है, एंड 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 प्यार होगा किसी का सर, इसलिए सेंटी में ओके। ऐसा भी होता है किसी से, अरे हाय तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे को लगता है कोई काम की बात तो नहीं रह गई, मैं इसलिए कमेंट पढ़ रहा हूँ और तुम्हारे कमेंट फालतू क्या है ओके। चंद्र प्रकाश इज आस्किंग सर फ्रॉम वेयर वी कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑफ करंट इवेंट। चंद्र प्रकाश, अगर आपको करंट्स की प्रैक्टिस करनी है मेरे को पहले बताते, मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है, नॉट टू वरी। उसके लिए एक स्लाइड रेडी करा देते हैं करंट्स की प्रैक्टिस के लिए। किसी को भी अभी वर्क दूंगा, इन करंट्स में से क्वेश्चन क्रिएट हो जाएंगे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कितना याद है कितना याद नहीं है, क्वेश्चंस डाल देंगे करंट्स का। ओके चलो, ये भी हो गया आपका ओके नाउ भैया वायरस की बाढ़ आई हुई है। लास्ट टाइम एक और वायरस देख लिया था, आज एक और आ गया, कैट क्यू वायरस। कैट क्यू वायरस अगेन अगेन अगेन, नाम देखो चाइना, सीरियसली चाइना। ओ भाई क्या चाह रहा है चाइना, क्या करें हैं, हम जॉब छोड़ दें, जीना छोड़ दें, संन्यास ले लें। तो चाइना की मुझे हरकतें समझ में नहीं आ रही, बट यहां भी है। ओके, साइंटिस्ट ने वॉर्न किया है इंडिया को कि एक और वायरस इंडिया में एंटर करने वाला है चाइना से, जिसका नाम है कैट क्यू वायरस, सी क्यू वी, ठीक है। तो ये वायरस आने वाला है, मेरे सिर के ऊपर ऐसा लग रहा है बिल्कुल मच्छर बैठा है। सो चाइना से आ रहा है और कहा जा रहा है कि इंडिया में आ सकता है, ये है क्या? ये एक एर्बो वायरस है। एर्बो वायरस का मतलब होता है आर्थ्रोपोड वायरस। अब इसको मैं समझाता हूं, इसको समझाने से पहले नीचे समझाता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली मच्छरों के थ्रू फैलता है या फिर पिग्स के थ्रू फैलता है। ये बीमारी होती पिग में है, लेकिन अगर मच्छर भाई साहब जाके पिग पे बैठकर आपके ऊपर भी बैठ गए तो कहीं ना कहीं आपको भी फंसा सकते हैं। यानी कि आर्थ्रोपोड दो जगह से हो रहा है, यानी कि वैसे जानवरों से भी हो रहा है, एयर के थ्रू भी हो रहा है। ऐसा एक वायरस जिसमें दोनों का रोल है, डोमेस्टिक पिग्स और मॉस्किटोज, इन्हें याद रखना। ये मॉस्किटो दिख रहा है, सुअर की फोटो मैंने लगाई नहीं, अब ये मत कहना क्यों, ठीक है। कहाँ ढूंढता यार, मेरा मूड खराब करने का मूड नहीं था कि मैं गूगल पे सुअर ढूंढ रहा हूँ बैठ के, सॉरी, ठीक है। इट कैन कॉज अ फेब्राइल इलनेस एंड द पीडियाट्रिक, ये एक तरीके की इलनेस कर देती है, यानी कि बंदे को फीवर सा डाल देती है बॉडी में। अनदर एंसिफिलिटिस, यानी कि दिमाग का फीवर, ब्रेन फीवर भी कर देती है ये बीमारी, ब्रेन फीवर भी कर देती है। ओके मनीषा, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, कंप्लीट एक सितंबर के करंट्स का टेस्ट करा लेते हैं। इस संडे तो नहीं, डेफिनेटली टाइम लग जाएगा बनाने में, नेक्स्ट संडे वी विल मेक इट। सो वेदर फोरकास्टिंग जो टेक्नोलॉजी यूएस से बोरो नहीं किया जा सकता, अगर इतना राज यार हम सारी चीजें बोरो करते जाएंगे तो क्या करेंगे यार, कुछ तो बनाए। रडार्स बनाने की टेक्नोलॉजी इंडिया पे है, बस जरूरत है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हम करें और हम कुछ बेहतर कर दें उससे, ठीक है ना, बस इतनी सी जरूरत है हमारे पास। ओके नाउ कम टू द संवेदना। संवेदना ये क्या है? संवेदना ये अभी रिसेंटली एक स्कीम चलाई गई है। देखो, जो भी बच्चे कोरोना से पीड़ित हुए और उनका इलाज हुआ है यार, देखो ऐसे बच्चों के दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ता है। वो एक अपनी बिल्कुल मौत को करीब से देख कर आए, यानी कि एक छोटा बच्चा जो ऐसे अपनी लाइफ को इतने डेंजरस तरीके से देखे तो उसके दिमाग में डेफिनेटली डर बैठ जाता है। तो उसके लिए चलाया गया है संवेदना प्रोग्राम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, देखते हैं क्या है, ठीक है ना। चलाने में किसका हाथ है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने लॉन्च किया है।
एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर, ये नंबर है, कॉल मत करना सीरियसली, 18 साल तक के बच्चों के लिए, मुझे पता तुम्हारी हरकत है, तुम कॉल भी मार दोगे। ओके, चिल्ड्रन अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19, जो भी बच्चे कोरोना की वजह से अफेक्ट हुए हैं उनकी काउंसलिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या वही बच्चे जो कोरोना से प्रभावित हुए, आंसर इज नो, जो कोरोना के टाइम पे गरीबी से, एडुकेशन से, किसी भी तरीके से प्रभावित हुए वो भी फोन कर सकते हैं। संवेदना की फुल फॉर्म क्या है हमारी यहाँ पे, सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट नेसेसरी असिस्टेंस। मैं जब ये देखता हूं ना कि ऐसे ऐसे नाम बनाए जाते हैं तो मेरे को लगता है आईएएस की कितनी गंदी जॉब है, कि मोदी जी बोल देते होंगे मेरे को एक स्कीम चलानी है जिसका नाम होगा संवेदना, इसके अंदर शब्द तुम खुद बनाओ, इसके अंदर शब्द तुम खुद बनाओ। वो बेचारा रात भर बैठ के लगा पड़ा है कि इसके अंदर मैं कौन कौन से शब्द डाल सकता हूं। तो ये एक टोल फ्री काउंसलिंग सर्विस है जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर और जो बच्चों के अंदर और इश्यूज आ रहे हैं कोरोना के टाइम पे, इन सब चीजों को फेस करेगा। हाँ, 15 साल के बच्चे कर सकते हैं, ये देखो। चलो, संवेदना के बारे में और देखते हैं। टेली काउंसलिंग सपोर्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए, रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। याद करो हमने एक ऐप के ऊपर वो पढ़ा था एडिटोरियल, जिसमें मैंने आपसे यही कहा था कि इंडिया के ऐप्स और इंडिया की जो प्रोसेस है वो तब सक्सेस होगी जब इंडिया रीजनल लैंग्वेज पे भी फोकस करेगा, यानी कि पूरे पैन इंडिया को टारगेट किया जाएगा, पूरे इंडिया को एक साथ टारगेट किया जाएगा, वही सबसे बेहतर है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर जो एक्सपर्ट है वो कौन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, यानी कि इतने बड़े बड़े लोग बैठ के इसके अंदर बच्चों से बात करेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इस बॉडी के बारे में देख लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसने से चलाया है। मैं हमेशा ऐसा करता हूं, जब भी कोई बॉडी का नाम आता है अधिकतर उस बॉडी को कवर करता हूं। ओके, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि बनाई गई बॉडी है, लॉ के थ्रू बनाई गई है, 2007 में बनाई गई थी, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ये पूरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कब बनाई गई, 2007 में, किसके अंडर बनाई गई, चाइल्ड राइट एक्ट 2005। हाँ मनीषा, ये कह सकते हैं कि ये नाम याद हो जाते हैं संवेदना जैसे। ओके, कमीशन वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन से एज ग्रुप के लोग हैं, ये मैंने बताया था, 0 से 18, फोन मत करने लग जाना। ओके, इस कमीशन का काम है कि हमारे संविधान में जितनी भी चीजें बच्चों के लिए लिखी हैं उसे पूरा कराया जाए। मैंडेट टू एंश्योर दैट ऑल लॉज एंड पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिजम्स, ये सब चीजें जो भी चाइल्ड राइट से रिलेटेड है इन सबको पूरा कराया जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नारे वाह, GS3। अच्छा, आज की चीज में आप एक देखना क्या बनाया गया बेटे, मैं कुछ मिस कर गया हूं आपकी चैटिंग में। बहुत सारी हो गए, मैं देख नहीं पा रहा राज क्या क्वेश्चन था। ओके, बहुत से लोग कहते हैं कि जो प्रिलिम्स आता है, जो प्रिलिम्स आता है, प्रिलिम्स में ज्यादा क्वेश्चन एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ठीक है, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक इकोनॉमी के होते हैं। और याद करो लास्ट संडे जो हमारी न्यूज पड़ी थी उसमें भी GS3 के ज्यादा थे और आज भी GS3 के ज्यादा है। भाई GS3 का ही कंटेंट करंट कंटेंट है तो उसी का तो आएगा, हिस्ट्री का थोड़ा ना करंट अफेयर्स पूछेंगे तुमसे, तो वो सीधा सीधा यूपीएससी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, लोग फालतू घबराए हुए हैं। क्यों बनाई गई, मतलब संवेदना, संवेदना स्कीम के पीछे है भाई कि जो बच्चे कोरोना के टाइम पे प्रभावित हुए हैं, चाहे वो कोरोना से प्रभावित हुए हों या कोरोना की वजह से उनकी शिक्षा प्रभावित हुई हो, घर का एक माहौल देख के बेचारे घबराए हों, उनके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक बॉडी है जिनका काम है कि हमारे संविधान में जितने भी बच्चों के लिए कानून लिखे हैं उन सब कानूनों को अच्छे से लागू करवाना, करवाना तो नहीं, ये देखना कि वो अच्छे से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, करवाना तो सरकार का काम है, ठीक है। चलो पहली न्यूज, जॉम्बी फायर्स, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दी थी, जितने टाइम की वीडियो बनाई थी उतने टाइम का तो ये कंटेंट ही नहीं है, एक पेज का कंटेंट है। ये जो आप बड़ी खूबसूरत सी एक इमेज देख रहे हो ये आर्टिक रीजन की है। देखो जॉम्बी फायर क्या होता है, इसका नाम जॉम्बी फायर क्यों दिया, जॉम्बी आपने सुने होंगे वो भूत जैसे बंदे होते हैं उनके नाम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉम्बी फायर देख के बच्चों ने बहुत सारी वीडियोस देखी,
लोगों की दुकानें चल गई, ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, ज़ॉम्बी फायर देखो क्या होता है। ये एक ऐसी फायर है जो लगी रहती, ये लगी रहेगी। जैसे आप ये देख रहे हो डायग्राम में, ये ऊपर आग है और इधर भी छोटी मोटी आग देख रहे हो। होता क्या है कि जब ये आग, जैसे ये आग जल रही है, जैसे ये आग कुछ टाइम में हल्की हो जाएगी, तो ये नीचे के रीजन में जलती रहती है। इसे हम कहते हैं पीट, ठीक है ना, नीचे के रीजन में जलती रहती है, यानी कि ये जलती रहेगी, ये खत्म नहीं होती है जितना भी ऊपर क्लाइमेट चेंज हो। जैसे ही हल्की सी गर्मी होगी, जैसे ही नूरा फतेह अली खान यहाँ पे आएंगी, नूरा फतेह अली पूरा नाम यही है शायद, वो एक्ट्रेस नहीं थी वो गर्मी वाली, हाँ, जैसे ही वो यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे ऊपर आग लग जाएगी, यहाँ पे ऊपर आग लग जाएगी। यानी कि ये आग एक ऐसी आग है जो लगी ही रहती है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, हर सीजन में पड़ोगे। जो बच्चा अगले साल यूपीएससी देगा वो फिर पढ़ेगा इसे, उसके अगले साल देगा वो फिर पढ़ेगा इसे, ये न्यूज हर साल आती है। और मुझे हंसी तब आती है जब इस पे लाखों चैनल्स वीडियोस बना के पैसे कमा लेते हैं। ओ बॉस क्या है यार, छोटा सा कंटेंट है, ठीक है ना। तो थिंग इज दैट, ये है ज़ॉम्बी फायर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहां पे लगी है? आर्कटिक रीजन में लगी है। फायर फ्रॉम द प्रीवियस ग्रोइंग सीजन, यानी कि पुराने सीजन की आग, जो कि कार्बन रिच पीट, यानी कि जो हमारा क्या होता है, ये जो आग जल गई है, ये जो घास जली हुई है, इसके नीचे हल्की सी तपश होती है। तपश हो गए थे ना, लकड़ी जलाते हैं उसके नीचे हल्की सी होती है, फिर उस पर फूंक मारो वो एकदम से निकल आती है। जैसे ही गर्मी होती है ये एक बार फिर से ऊपर आ जाती है, ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे ही वेदर वार्म होगा फायर दोबारा जल जाएगी, इसे हम कहते हैं होल्ड ओवर फायर भी इसे कहा जाता है। ज़ॉम्बी फायर का नाम होल्ड ओवर फायर भी है, यूपीएससी डेफिनेटली ज़ॉम्बी फायर यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। ये देखो चंद्र प्रकाश, आपने डायग्राम शायद अच्छे से देखा नहीं, ये हमारे नीचे के लावा से ही आग लग रही है, नीचे के लावा से ही आग लग रही है, कहीं ना कहीं इसमें बाहर का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है ना। कर क्या रहे हो तुम लोग नीचे, कर क्या रहे हो, मेरे को ये बताओ, तुम अपने आप ही लगे पड़े हो पिक्चर में, ठीक है। द फायर इन द आर्टिक स्प्रेडिंग टू द एरियाज विच वर फॉर्मली फायर असिस्टेंट, यानी कि ये आग उसी एरिया में लगने लग गई है जहां पे पहले कभी आग नहीं लगती थी। ये एक बहुत चिंतित वाली, चिंता होने वाली चीज है कि हमारे देश के ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जैसी चीजों के लिए ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, नॉर्थ ऑफ आर्टिक सर्कल में यहाँ पे लग रही है, जो कि बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, मॉस है, ग्रासेस है, डॉफ्स है, यानी कि कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी इफेक्ट हो रही है। और कार्बन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो ये हमारे लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। जरूरत क्या है इसको ऊपर जल्दी से साइंटिस्ट को सोचना पड़ेगा कि हम इसके लिए क्या समाधान निकालें, जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाए। जैसे आर्टिक पे ज्यादा ध्यान यूनाइटेड किंगडम का रहता है, तो आप यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और इसे खत्म करें। बिल्कुल प्रिया, आपने कई बार सुना होगा किसी जंगल में आग लग गई, जंगल में कैसे लगती है, कोई बंदा जाके आग लगा के आता है, क्रैकिंग से ही लग जाती है। जैसे ही वो आपस में ज्यादा घिसटते हैं तब कई बार आग लगती है, कई बार बिजली गिर जाती है उनके ऊपर तब आग लगती है, ये सारे कारण होते हैं, ठीक है। नाउ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये तो इंडिया का है, ये है डेनमार्क का। डेनमार्क के साथ मिलकर इंडिया ने करी है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें डेनमार्क पूरी तरीके से इंडिया की मदद करेगा अपने देश को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने में, यानी कि हमारे देश की मदद करने आया है डेनमार्क। चलो देख लेते हैं। सो इंडिया एंड डेनमार्क ने मिलकर स्टार्ट किया ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर डिलीवरिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आंसर्स में डालने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस पे, अपने आंसर में ये पॉइंट डाल सकते हो कि इंटरनेशनल रिलेशन दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर, ये है एक सॉफ्ट पावर, यानी कि डेनमार्क हमारी ऐसी तरीके से मदद कर रहा है नेचर के लिए, और ये एक सॉफ्ट पावर है, यानी कोई आर्मी नहीं कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल गुरकीरत, ये भी होता है कि जो लोग इलीगल वहां पे फॉरेस्ट माइनिंग वगैरह करते हैं वो भी आग लगाते हैं, तो ऐसी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। नहीं ये मैंने नहीं बताया भैया, इंडिया डेनमार्क वाला कहाँ बताया। ओके, द पार्टनरशिप विल फोकस ऑन एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक टाइज, ग्रीन ग्रोथ, कॉपरेशन ऑन ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, यानी कि इन शॉर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस है इन दोनों का। ओके, की पॉइंट्स क्या है, डेनमार्क की जो कंपनी है, डेनिश कंपनी का मतलब होता है, डेनमार्क की कंपनीज है वो यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगी जो कि एयर पॉल्यूशन से निपटने में हमारी मदद करे,
यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजीज आएंगी जो एयर पॉल्यूशन से निपटने में हमारी मदद करे, कोविड से निपटने में हमारी मदद करे, हमारे देश में जो पानी का लॉस हो रहा है उससे निपटने में हमारी मदद करे। ओके, इंडिया एनर्जी डेनमार्क एक एनर्जी पार्क बनाएंगे जहां पे हम सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएट कर सके, ज्यादा से ज्यादा हम इंडियन मैन पावर को यूज करके जॉब्स दे सके। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये इन्होंने एक कमीशन भी बनाई है, ज्वाइंट कमीशन फॉर कॉपरेशन एंड एग्जिस्टिंग ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स, यानी कि दोनों की तरफ से लोग होंगे जो कि देखेंगे काम सही से हो रहा है या नहीं। बट अगेन डेनमार्क न्यूज में है और साहिल सर अगर मैप छोड़ दे तो ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि ये छोटा सा मैप आपको दिख रहा है कि ऊपर स्वीडन है, नीचे जर्मनी है, कोपेनगम है, नॉर्वे है, नॉर्थ सी है। अब बाकी फॉर मोर डिटेल गो टू योर होम, होम पे ही हो एंड जस्ट सर्च एटलस, एटलस को सर्च करें, एटलस को पढ़ें, डेनमार्क के आसपास की लोकेशन देखें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, डेनमार्क के कब्जे में एक बहुत बड़ा एरिया भी है, उसे भी पता करना है आपको। ये आपका होमवर्क है कि डेनमार्क के कब्जे में एक बहुत बढ़िया जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ा एरिया है, देश कह लो उसे, देश नहीं है वैसे, वो आइलैंड माना जाता है। तो वो भी मेरे को बताना है कि आपको वो कौन सा है। ठीक है ना, ओके। देन लॉइन टेल मकाओ, ये कौन है भैया? ये अभी रिसेंटली एंडेंजर्ड लिस्ट में एंटर करें लॉइन टेल मकाओ, तो ये न्यूज में है। इस बंदर की शक्ल देख लो। इस बार ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत देखने को मिले थे पार्क से रिलेटेड, कौन कौन से पार्क कावेरी के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें जो एनवायरनमेंट रिलेटेड हो, जानवरों से रिलेटेड हो, ये यूपीएससी को बहुत पसंद है। तो इसका नाम है मकाका सिलेनस, जरूरी नहीं है मैंने लिखा। ओके, कहां मिलता है ये इंपॉर्टेंट है, रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। हमारा वेस्टर्न घाट्स कौन सा एरिया है जो वेस्ट में आता है, ये वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट्स कहलाता है। यहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट्स होता है और जो दोनों का मीटिंग पॉइंट है ये होता है नीलगिरी। ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा नीलगिरी, यहाँ पे एक नीलम नाम का एक फूल मिलता है बहुत खूबसूरत, जो 12 साल में एक बार उगता है। तो नीलगिरी के बारे में केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, मेरे सर के ऊपर बैठ गया यार ये बंदर। चलो, थिंग इज दैट कहां पे मिलता है, वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। इसे हम शायद्री या बेनोवेल माउंटेन्स भी कहते हैं। ठीक है, और लॉइन टेल मसक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस न्यूज। ये काम क्या करता है, ये जो सीड्स वगैरह गिर जाते हैं ना फ्रूट्स के, उन्हें साफ करता है। साफ करने का मतलब खा जाता है, हटा देता है। यानी कि आप एक चीज देखो, ये हम भी जानते हैं प्रकृति अपना नियम खुद बनाती है। ये रामचरितमानस में भी लिखा है, प्रकृति अपना नियम खुद बनाती है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति बदला लेगी। ये प्रकृति कोई लड़की नहीं है, इट्स अ नेचर। ठीक है ना, बदला लेगी अगर छेड़छाड़ करोगे तो। वैसे अगर लड़की भी होती तो भी उसे बदला लेना चाहिए था अगर छेड़छाड़ कर दो। थिंग इज दैट नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे बदला लेगी। यहाँ पे देखो, ये अपने आप ही, इसे नहीं पता, इसे कोई काम असाइन नहीं किया, ऐसे मोदी जी ने जाके नहीं कहा कि चल तू ये सारे बीज साफ कर दिया कर। ये अपने आप करता है, यानी कि ये साफ करता है, उसे खा जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये ओमनी वायरस होते हैं, ये फ्रूट्स भी खा लेते हैं, इंसेक्ट भी खा लेते हैं, एग्स भी खा लेते हैं। यानी कि जो हमारी साइकिल है इकोसिस्टम की वो बरकरार रहती है। शेर हिरन को खाएगा, हिरन इसे खाएगा, ऐसी वाली। अपेंडिक्स वन, यानी कि अगर मैं साइट्स की लिस्ट में देखूं तो अपेंडिक्स वन, इतने टाइम से करंट्स पढ़ पढ़ के एक चीज समझ में आ गई होगी कि मैं किन चीजों को कवर करता हूं जो न्यूज में नहीं होती, उसके अलावा मैं किन चीजों से डीप जाता हूं। लाइक साइट्स की लिस्ट में ये अपेंडिक्स वन में है। ठीक है, और जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल वन में है, और IUCN की लिस्ट में ये एंडेंजर्ड है, यानी कि खतरे में है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। नाउ नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम। अभी रिसेंटली मोदी जी ने उत्तराखंड में इसके 5 प्रोग्राम और चला दिए। ठीक है ना, मोदी जी ने इसके 5 प्रोग्राम अभी और चला दिए। अब जिससे क्या हुआ, ये फिर से न्यूज में आ गया, जरा देखते हैं क्या। नमामि गंगे को पढ़ना है हमें, जो मोदी जी ने चलाया वो तो सिर्फ एक न्यूज है, हमें यूपीएससी का कंटेंट देखना है। ओके, ये कंजर्वेशन मिशन है जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर और भी बहुत सारी स्कीम्स हो, स्टेट्स भी हो, सेंटर भी हो, सब हो। जून 2014 से चलाया गया है। काम क्या है, इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिजुविनेशन नेशनल रिवर गंगा। यानी कि गंगा नदी को साफ करना, जो मेरी फोटो के पीछे देख रहे हो, इतना कूड़ा देख रहे हो नदी में, पता नहीं हम लोगों को क्या कीड़ा है ये, जो चीज मिलेगी नदी में, जो चीज मिलेगी नदी में, अब भाई क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है, मतलब कुछ भी आज नदी में फेंकाते जाके। तो भैया हम हिंदुस्तानी है, हमें बहुत, हमें खुद को नहीं समझेंगे जब तक ये सारे प्रोग्राम्स फेल हैं हमारे।
पॉल्यूशन और उसे साफ करना है। मिनिस्ट्री कौन सी है? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देन नमामि गंगे के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंप्लीमेंट कौन करता है इसे? इंप्लीमेंट कौन करता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ओके, और स्टेट में कौन इंप्लीमेंट करता है? स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स, यानी कि सेंटर में अलग बॉडी है, स्टेट में अलग बॉडी है। मनीषा, हमें ऐसे एनिमल्स को कवर करना होता है जो कि खतरे में हो। एंडेंजर्ड का मतलब होता है खत्म हो गए या खत्म होने वाले हैं, बिल्कुल पीक पे खत्म होने वाले हैं, तो ऐसे जानवर को खत्म करना ऐसे न्यूज में आता है। ऐसा नहीं अगर किसी कुत्ते पे न्यूज आई है तो उसको कवर कर लो, अरे अरे कुत्ता मिला नहीं। थिंग इज दैट कोई अलग चीज मिलती है जो हमारी इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं उसका रोल होता है, इकोसिस्टम में रोल होता है, हम उन्हें कवर करते हैं। ओके नाउ, जो हमारी ये है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये एक इम्प्लीमेंटेशन विंग है नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है, इसका एक इम्प्लीमेंटेशन विंग है जिसे बनाया गया था 2016 में। आप देखो कितनी सारी बॉडीज हैं, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये किसके अंडर में आता है? नेशनल गंगा काउंसिल में, ठीक है। ये किसके अंडर में आती है? नेशनल गंगा काउंसिल भी किसी के अंडर में आती है, ये हमारी इसके अंडर में आ रही है, अथॉरिटीज ऑर्डर एक्ट, यानी कि सब कुछ एक के अंदर एक आ रहा है, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर है, ये आपको याद होना चाहिए। 20 करोड़ का ये, 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे गायब हो गए, ठीक है, वेरी गुड अमनदीप, अमनदीप ने ढूंढ ढांड के ले ही आई ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क के अंडर में, वेरी गुड। 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, और इसके अंदर तकरीबन तकरीबन 288 प्रोजेक्ट्स हैं। कहां गया यार, पैन खो जाता है। 288 प्रोजेक्ट्स हैं नमामि गंगे के अंदर, से याद रखना, ठीक है ना। नहीं नहीं प्रिया, 8th की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो 11th 12th की बायो की बुक्स हैं उसके लास्ट में भी एनवायरनमेंट की ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और बहुत ज्यादा डेप्थ में अवेलेबल है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, 8th 6th पे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में ही पढ़ रहे थे, इसका मेन पिलर क्या है, किन किन चीजों पर काम करेगा, ये हमारे आंसर राइटिंग में यूज आएगा, ये हम मेन से भी यूज कर सकते हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट, यानी कि जो नालियों तक ट्रीटमेंट जा रहा है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए। रिवर्स सरफेस, जो हमारी नदियों के नीचे वो सिल्ट डिपोजिशन हो जाता है, उसके अंदर मिट्टी जम जाती है, उस मिट्टी को हटाना। अफॉरेस्टेशन, नदी के आसपास पेड़ लगाना ताकि बाढ़ ना आए, ठीक है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग, यानी कि जो कूड़ा करकट जो केमिकल्स निकलते हैं इंडस्ट्रीज में से, उसे कंट्रोल करना, मॉनिटर करना। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर का साफ से डेवलपमेंट, यानी कि पानी सही से आ रहा है नहीं आ रहा है, सही जगह पहुंच रहा है। बायोडाइवर्सिटीज, नदी के अंदर जो भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनका ख्याल रखा जाए। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को अवेयर किया जाए कि गंगा हमारी मैया है, इनको गंदा नहीं करना है। देन गंगा ग्राम, गंगा ग्राम का मतलब क्या होता है? आसपास घाट बनाए जाए साफ सुथरे, एंड ये सब काम करे जाए। ठीक है ना, चलो। देन पाइप वॉट्स, ये भी हम एक नई तरीके के अभी पाइप वॉट्स क्या होता है, एक स्पीशीज मिली है जो कि वेटलैंड प्लांट है, यानी कि ये पानी के अंदर है। देखो वेटलैंड मतलब नीचे जमीन है, ऊपर पानी है, उसके ऊपर ही उगने वाला है। इसकी नई स्पीशी मिली है, किसने ढूंढी है? अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ढूंढी है। कहाँ पे मिली है? वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग इस समय कमेंट्स में लगे हो, मेरा बस चले, मैं कमेंट्स बंद करा दूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देन वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका पाइप वॉट्स में, और ये कहाँ कहाँ में मिलती है? ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है, साउथ एशिया में मिलती है। ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं याद करो, मैंने आपको बताया था, ये वर्ल्ड मैप है जिसमें ये है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, ये जो पूरा रीजन है इसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ये अपने वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो, ठीक है, आप सबके रूम पे होगा आई होप। डिमांड गुड सप्लाई लाइट कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो छोटा सा पौधा है इसे बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है, जादू का भाई लग रहा है मेरे को, और ये कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप करता है, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेन्स बोथ, इसमें मेन्स से भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक मेरे को यह समझ में नहीं आया कि इस पर एडिटोरियल क्यों नहीं आया, अगर नहीं आया तो आ जाना चाहिए आने वाले टाइम में। हाइड्रोजन एनरिच कंप्रेस नेचुरल गैस, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वॉट इज एच सी एन जी एंड वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ एच सी एन जी, लिख देना इस क्लास के बाद, वॉट इज
HCNG and its advantages. 150 words. 150 words में लिखना है साक्षी, इट्स अबाउट अराउंड 20 मिनट्स मोर। ओके, तो ये क्या है? हाइड्रोजन एनरिच कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है ये? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये कहा है, क्लीन फ्यूल, यानी गवर्नमेंट एक साफ फ्यूल लाना चाहती है अपने देश में। हमें पता है हम लोग डीजल बहुत सारा पॉल्यूशन कर रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज अलाउ, यानी कि जो मिनिस्ट्री है हमारी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने, उसने अलाउ किया है कि हम 18% मिक्स कर सकते हैं हाइड्रोजन को अपने सीएनजी इंजन्स के लिए। ये पॉइंट न्यूज का है, ये हमें याद होना चाहिए अपने आंसर राइटिंग में यूज करने के लिए। अब HCNG है क्या, इसे देखते हैं। ये एक हाइड्रोजन और सीएनजी का मिक्सचर है, ब्लेंड गैस है, यानी कि एक मिक्सचर है HCNG। ठीक है, ये यूज हो सकती है गैसोलीन, गैसोलीन मतलब डीजल के बदले में, प्रोपेन के बदले में, एलपीजी के बदले में, इन सब के बदले में इसे यूज किया जा सकता है। ये आप कार देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि H2 भी है, यानी कि पानी भी है इसके अंदर और बैटरी भी है, और ये हवा को कन्वर्ट करेगी हमारी सीएनजी में। इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी है जो कि काफी बेहतर है। बेनिफिट्स ये सारे निकाल के यहाँ पे रख दिए हैं मैंने, सो दैट आपको आंसर लिखने में हेल्प हो। ठीक है ना, तूने लिखा था? अच्छा, मेरे को याद नहीं है राज। ओके, मेरे को याद नहीं है HCNG पे कहीं क्वेश्चन आया है, आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है आया हो, लेकिन ये अभी न्यूज में है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हो सकता है जब ये बिल्कुल रिसेंटली सबसे पहली बार आया हो तो आया हो इसको क्वेश्चन। ओके, HCNG क्या करता है? रिड्यूसेस द हाइड्रोकार्बन एमिशन, यानी कि एमिशन कम कर रहा है 70% तक, यानी कि बहुत ज्यादा इसके अच्छे यूजेस हैं। इस ना केवल इस पॉइंट में, हम बहुत सारी जगह डाल सकते हैं कि हम लोग HCNG पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, 5% सेविंग करता है फ्यूल की, यानी कि एवरेज भी अच्छी देगी गाड़ी। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द फ्यूचर हाइड्रोजन इकोनॉमी, ये देखो शब्द हाइड्रोजन इकोनॉमी, यूपीएससी ऐसे शब्दों पे बहुत फोकस करता है। ठीक है ना, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जो हाइड्रोजन से चले, ऐसी इकोनॉमी जो कि ज्यादा गाड़ियां हाइड्रोजन चले, पैसा आए और वो पूरी अर्थव्यवस्था हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड हो। इंजन कैन बी कैलिब्रेटेड टू रिलीज लोअर अमाउंट ऑफ एनओ, यानी कि इंजन कम अमाउंट करेंगे पॉल्यूशन का। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मिनिमम मॉडिफिकेशन टू रन, यानी कि इंजन में ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है अगर आपको HCNG से चलाना है। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आइडिया फॉर फ्यूल लोड एप्लीकेशन, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, यानी कि ये एक आइडियल फ्यूल है उन गाड़ियों के लिए, लाइक ट्रैक्टर के लिए, ट्रक्स के लिए, बसेस के लिए, जो कि ज्यादा लोड लेके जाते हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो। तो ये चीज एक बहुत बड़ा ऑप्शन हमारे लिए निकल कर आया, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है कि 18% आप इसे यूज कर सकते हो। परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है गाड़ी की, ठीक है ना, हायर ऑक्टेन रेटिंग के चक्कर में। ऑक्टेन रेटिंग मेरे को नहीं समझ में आया था क्या, मैं ढूंढता रहा था, अगर कोई साइंस वाला हो, साइंस एंड टेक में से ढूंढ सकता है। अच्छा, हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले राज चिंता ना करो, मनीषा के दिमाग में भी टेंशन थी ना कि सर हमने हिंदू एनालिसिस 15 सितंबर से स्टार्ट किया है, और मैंने कहा था कि सितंबर से हमें पढ़ना है यूपीएससी के लिए। सो जो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक के भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, वो सारे मेरे पास लिस्ट में अवेलेबल है A to Z। तो उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम कवर करेंगे। कल शाम को भी एक आने वाला है 7 बजे, तो ऐसे चलता रहेगा, शाम को 7 बजे या 9 बजे एक नई वीडियो आती रहेगी। नाउ नेक्स्ट, फथैलेट्स, ये क्या है भैया फथैलेट्स? ये साथ में आप देख रहे हो मेरे सर के ऊपर डाई। हाँ अनुराग, ये मेरे घर वाले भी कह रहे थे कि आपको नीचे काला बनाना शुरू हो गया, चश्मा यूज करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट पूरा दिन लैपटॉप ऑन रहता है, ऑलमोस्ट पूरा दिन कंटेंट सर्चिंग, ये वो ये हो। इतनी पढ़ाई मैंने करी होती ना, मैं टॉपर के भी टॉप कर गया होता जितनी मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, सीरियसली मुझे अब लगता है नहीं, मनीषा ऐसा इकोनॉमी के लिए आप पॉइंट नहीं डाल सकते, आप यहाँ एनवायरमेंट के लिए ही पॉइंट डालें। ठीक है ना, एनवायरमेंट के लिए ही पॉइंट डाले, इकोनॉमी के लिए नहीं डायरेक्ट। अगर हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करता है देन यू शुड गो विद द इकोनॉमी, हर जगह नहीं। ये चीज धीरे धीरे आपको सीखनी होगी। देखो मेरे फोटो के ऊपर दिख रहे हैं हगीज, ठीक है ना, ये हगीज क्या है? ये डायपर्स। देखो यार, अभी रिसेंटली ये मिला है बच्चों के डायपर से, जो कि इंडिया में बैन है, इंडिया में बैन है। ये है क्या, क्या है पूरा देखते हैं। ये एक टॉक्सिक लिंक मिला है जो कि एनवायरमेंट एडवोकेसी ग्रुप को, उन्होंने ये कहा है कि जो फेथालेट्स है ये बेबी के डायपर्स में डाला गया है ज्यादा। ठीक है, ये केमिकल है,
जो कि इंप्रूव करने के लिए प्लास्टिसिटी, यानी कि किसी भी चीज की प्लास्टिक, किसी भी चीज में प्लास्टिक मिक्स करने के लिए, या उसकी प्लास्टिसिटी कि वो लीक ना करे। डायपर्स क्यों पहने जाते हैं बच्चे, सुसु बॉडी ना करें उसके लिए पहने जाते हैं। थिंग इज दैट कि वो गीले ना रहे इसके लिए यूज होते हैं, लेकिन ये इंडिया में बैन है और यूज कर दिए गए हमारे इंडिया के डायपर्स में। तो प्लास्टिसिटी मिली बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, जिसमें डायपर्स भी था। ये इंडिया में बैन है पूरी तरीके से। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज नहीं कर सकते, टॉयज में भी यूज नहीं कर सकते। कहाँ का बैन है? इंडिया, यूरोप, साउथ कोरिया एंड चाइना, इन देशों ने बैन कर रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। ये केमिकल कंपाउंड है जो कि क्या बनाता है, पॉलीविनिल क्लोराइड, ठीक है ना, एक तरीके का थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। इतनी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को गूगल से मिलता है तो मैं टिप देता हूँ। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये है क्या, ये कलरलेस है, ओडरलेस है, हाई प्लेटलेट्स आर यूज इन मल्टीट्यूड, यानी कि जब इसे यूज किया जाता है तो जो प्रोडक्ट होता है उसकी परफॉर्मेंस हाई हो जाती है, यानी कि जो डायपर 1 घंटा चल सकता है वो 7 घंटे चला लिया जाता है। इसके वजह से डायपर वालों को कहीं ना कहीं वो बढ़ जाता है कि हमारे डायपर अच्छे चलते हैं, ठीक है। अरे बाप रे, साइंस साइड वाले आंसर आ रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, रिसर्च है सजेस्टेड, रिसर्च ने ये बताया है कि ये जो फेथालेट्स है, इसे यूज करने से स्किन में रैशेस हो जाते हैं, स्किन को प्रॉब्लम होती है, और हार्मोन्स पे भी असर करता है बच्चों के, इसीलिए इसे हमने बच्चों के लिए तो बिल्कुल मना कर रखा। नेक्स्ट, मिशन लांतना। अब ये क्या है, ये बड़े खूबसूरत से फूल है जो कि नेगेटिव फूल है, ये नेगेटिव फूल है, इसके बारे में देखते हैं। अभी एक स्पेशल ड्राइव अप्रूव चलाई गई, यानी कि एक वो चलाया गया मिशन की इसे हटाना है। मिशन लंताना का मतलब इसे हटाना है। ये इनवेसिव स्पीशीज है, इनवेसिव का मतलब क्या होता है, ये दूसरे आसपास के पौधों पे अटैक करते हैं, इन्हें हटाने की बात चल रही है। कहां से? सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो मिशन लंताना क्या हेल्प करेगा, इकोलॉजिकल रिस्टोर करेगा और बायोडायवर्सिटी को बचाएगा। लंताना कमारा ये एक छोटा सा श्रब है, यानी कि एक छोटी सी क्या कहते हैं इसे, झाड़ी है, ठीक है ना, जो कि कहाँ की है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका की है। ये करती क्या है, ये एक इन्वेसिव, इन्वेसिव का मतलब क्या होता है, किसी पे अटैक करने वाली, किसी पे अटैक कर देती है। ट्रॉपिकल रीजन में मिली थी 1807 में, ठीक है। ऐसे अटैक करती है कि आसपास की चीजों का खाना छीन लेगी, ठीक है, आसपास के जानवर, अगर जो जानवर इसे खा लेगा वो मर जाएगा, ऐसा असर करती है। तो ये डिलिटेरियस है बायोडायवर्सिटी के लिए, यानी कि बायोडायवर्सिटी के लिए नुकसानदायक है। एग्रीकल्चर वीड है एक तरीके से, यानी कि चलता फिरता नशा है ये, ठीक है। द थिकेस्ट कवर वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड, ये बहुत पूरे एरिया में, बहुत ज्यादा एरिया में फैली होती है। एंड स्टॉपिंग द नेचुरल लाइट, जो नेचुरल लाइट आने वाली होती है पेड़ों के ऊपर उसे रोक देती है। न्यूट्रिशन रोक देती है बाकी जानवर और पेड़ों का, खतरनाक चीज है भाई। हाँ, इंसानों में ऐसे लोग नहीं होते, ठीक है ना, इंसानों में ऐसे लोग नहीं होते, ये पेड़ों में भी हैं। मनीषा, बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं है, गूगल कर लेना इसके बारे में अगर ज्यादा पढ़ना हो। बट बुक में मैंने मैंने बुक में नहीं देखा अभी तक इसे, ठीक है ना। और साइंस की मैंने बुक्स रेयर ऑफ रेयर ऑफ रेयर पढ़ी थी, मैंने साइंस की बुक पे हाथ पैर ही नहीं मारे, तो मेहनत नहीं करता। ओके, टॉक्सिक सब्सटेंस इन फॉइलेज, अनदर थिंग, इसके जो फूल पत्तियां होती हैं, जो इसके सीड्स होते हैं, उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। जो भी जानवर इसकी बेरीज खाएगा वो इफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं उस पर असर होता है, ठीक है। ये इन्वेड करते हैं वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स पे भी, यानी कि अदर बड़े बड़े एरियाज पे अटैक करते हैं, यानी कि एक साथ बहुत सारी मात्रा में आते हैं। अब बात आती है सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम आया, मैंने इसे कवर किया, वही चीज है कावेरी वाली जो न्यूज यूपीएससी ने पूछी थी। कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी नहीं थी जो 1 साल के अंदर हिंदू में होके ना गुजरी हो, कोई भी। सज्जनगढ़ है, इसे याद रखेंगे, ये आपको किताबों में नहीं मिलता है ना, ये हमें यहां से मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड में फैली हुई है, बहुत जगह पे फैली हुई है, इतना तो मेरे को पता है, मैं इतनी ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा इसे, क्योंकि तुम लोगों को एग्जाम देना है, मैं उतना पढ़ता हूँ जितना मेरे को लगता है यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। चलो ओके, कहां पर है ये, उदयपुर राजस्थान। ओके, द एरिया मेड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1987 से। कौन कौन से जानवर हमें मिलते हैं यहाँ पे, चीतल, पैंथर, हेयर्स, ब्लू बुल्स, नील गाय जिसे हम कहते हैं, जैकल्स, वाइल्ड बोर्स। सबके नाम याद करना जरूरी नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फोटो में दिख रहा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे फेमस है वो है इंडियन वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी फोटो लगाई गई है। इस वल्चर की बात करूं तो ये IUCN की रेड लिस्ट के स्टेटस, इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खतरे में है, खत्म होने वाली है, बिल्कुल खत्म होने के तगार पर है।
और साइट का स्टेटस देखूं तो अपेंडिक्स सेकंड में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखूं तो शेड्यूल वन में है। ये तीनों चीजें आप देखो मैं कंसिस्टेंटली कवर कर रहा हूं हर जगह, क्योंकि तो ये यूपीएससी पूछता है। सज्जनगढ़ राजस्थान, बिल्कुल सही। अरे खत्म खत्म हो गए यार, मेरे को लगता भी और है। सो दैट्स इट, वी हैव डन विद द 4th अक्टूबर तक की न्यूज। अब जो बाकी है वो संडे को आएगी। दैट्स इट, मेरे को लग रहा था भी और है, मैंने खत्म किया है पक्का। आगे और तो नहीं है? नहीं है यार, खत्म। ओके गाइस, सो दिस इज, ये कुछ बेनिफिट्स है प्लस सब्सक्रिप्शन के। अरे क्लास ही खत्म हो गई, अब तो जाओ अच्छे से। हाँ, गिद्ध प्रजाति हमारी खतरे में है। ओके, ये कुछ सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कहीं भी कभी भी पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वैसे, फ्री क्लासेस में नहीं होते, ये हरकत मैंने ही करी थी। ओके, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, जिसमें आपको किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीचर्स आपकी खुद प्रिपरेशन कराएंगे, क्विजेस लेंगे टाइम टू टाइम, आपके आंसर राइटिंग कराएंगे, ठीक है, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको इजिली मिलेंगी, टेस्ट सीरीज होंगे, प्रॉपर गाइडेंस होगा, ये सारी चीजें आपके साथ चलेंगी। करना क्या है आपको, अपने प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी को डाउनलोड करें, वहां पे अपना एक प्रोफाइल बनाएं, प्लस पे जाएं, यूपीएससी सीएससी पे जाएं, देन सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त वो आपसे मांगेगा कुछ पैसे, तो पैसे देख के घबराइएगा नहीं, काफी लिमिटेड है। दिल्ली में जहां 2 लाख लगते हैं, यहाँ केवल 39,000 लग रहे हैं, जो भी इंस्टॉलमेंट्स पे। तो 12 महीने 24 महीने का प्लान ले सकते हो, इस नाम को यूज करके लोगे 10% डिस्काउंट। मैं बड़े दिनों बाद इतनी मेहनत करी है, थैंक यू सो मच। हजारीबाग में वाउचर इंक्रीज हो रहा है, अच्छा। थैंक यू सो मच राज, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, फॉर जॉइनिंग अस। और क्या बोलते हैं? कुछ नया बोलते हैं? आई शुड स्पीक समथिंग एल्स। ओके श्योर श्योर श्योर। ओके थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चलो फिर बंद करते हैं, तुम भी जाओ ऐश करो, मैं भी जाऊं काम करूं। ठीक है सर, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट के लिए कौन सी बुक पढ़ो? कार्तिक, इकोनॉमी के लिए आई ऑलवेज से जस्ट गो विद द 11th 12th एनसीईआरटी, 11th एंड 12th एनसीईआरटी, दैट्स इट इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट एंड ईजी तरीका है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए बायो की 11th के लास्ट के 4 चैप्टर्स एंड 12th के लास्ट के 4 चैप्टर्स, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो छोटा मोटा कंटेंट होगा वो मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जो भी चीज, मैं जो भी, मेरे अंदर एक हैबिट है, जो भी सब्जेक्ट मेरे को लगता है कि बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, मैं उस पर सबसे पहले बात करता हूँ। लाइक हिंदू, हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, उस पर कोशिश करी बात करने की। करंट अफेयर्स है कि कहाँ से, और करंट अफेयर्स जितने भी लोग इस क्लास को सुन रहे हैं, जितने भी क्लास के लोग के सुन रहे हैं, मैं ओपनली कह रहा हूँ, कोई और सोर्स देखने की अभी जरूरत नहीं है, ओपनली बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड एनवायरनमेंट इकोनॉमी दोनों बता दिए। अच्छा, मेरे से आज किसी ने पूछा भी था कि इकोनॉमी की ग्रेड 12th में 2 बुक्स हो गई हैं, ये रीसेंट हो गई हैं, जो अभी रीसेंट हुआ है 2 बुक हो गई हैं। आप कोशिश करो थोड़ी सी पुरानी, यानी कि आज से 5 साल पुरानी, 4 साल पुरानी किताबों पर जाने की कोशिश करो, आपको गूगल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सो व्हाट अ पेस्टोरल सोसाइटी, पेस्टोरल सोसाइटी वो होता है जो जानवरों का पशुपालन करते हैं, पेस्टोरलिज्म, पशुपालन पे ज्यादा यकीन करते हैं, वो एक सोसाइटी है सर। कशिश, मैंने एनवायरनमेंट के सीरियसली नोट्स नहीं बनाए थे, आंसर राइटिंग के बेसिस पे ही काम किया था। काफी चीजें हैं जिसके सिर्फ आंसर्स लिखे थे और उन्हीं आंसर्स को बार बार रिवाइज किया था, रादर नोट्स, ठीक है। ओके, मूवी का मजा आपकी क्लास में आता है? मैं कौन सी मूवी दिखा दी पुत्र आपके पास? हाँ राज, शायद हो, शायद हो पीडीएफ। असल में क्या है कि वो दूसरे लैपटॉप में होती है, तो मैं कई बार देख नहीं पाता, मैं देख लूंगा, काफी कंटेंट है मेरे पास, तो मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराऊं। गुरकीरत इतना प्यारा नाम है, कौन का नाम गलत दे रहा है बच्ची का? हाँ, माइक्रो और मैक्रो अलग अलग है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा, आई विल प्रोवाइड, ट्राई टू प्रोवाइड, नॉट श्योर, ट्राई टू प्रोवाइड। ओके।